नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D एनिमेशन के माध्यम से बेकरी भट्टी बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेकरी भट्टी आप बहुत कम खर्च में बहुत ही आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं 3D एनिमेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप बेकरी भट्टी कैसे बना सकते हैं, तो आप पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ईंट ले लेना है, क्योंकि भट्टी बहुत बढ़िया ईंट से बनेगा। आप अगर बड़ा बनाते हैं तो आप ईंट से बना सकते हैं, वैसे आप अगर चाहें तो लोहे से भी बना सकते हैं, लेकिन ईंट का बनाएंगे तो आपका सस्ता पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको दीवार उठा लेना है। जैसे यह उठा है, तीन ओर से आपको दीवार उठा लेना है, तीन तरफ से, और उसके बाद एक तरफ से आपको थोड़ा गैप करके दीवार उठा लेना है। समझ में आ गया? यह हो गया आपका नीचे का पार्ट। अब इसमें आपको यह करना है कि इस भट्टी को आप जहां पर भी बनाएं, वहां जमीन से 1 से 2 फुट ऊंचाई पर इसे बनाना है, क्योंकि अगर आप एकदम जमीन पर बना देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं बनेगा। इसीलिए आपको इसे जमीन से 1 से 2 फुट ऊँचा बनाना है, और आप इसे जितना ऊंचा करेंगे उसमें आपको ईंट भर देना है। समझ में आ गया? जिससे इसमें बहुत ज़्यादा हीट बने। और उसके बाद अब इसका ऊंचाई आपको कितना बनाना है, जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन से 1 फुट ऊंचा तक गिट्टी भर दिया, ईंट भर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर आपको दीवार उठाना है 1 फुट, और उसके बाद दीवार के ऊपर आपको इस तरह से लोहे का राड लगाना है। यह राड आपको बहुत ज़्यादा मजबूत लगाना है, क्योंकि आप जब इसमें आग जलाएंगे, अगर यह हल्का होगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यह आप मोटा इसमें राड लगाएं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जल्दी आग से जले मत, नहीं तो अगर आप हल्का लगाएंगे तो यह आग से जल जाएगा। और दीवार आपको चारों तरफ से ईंट से जोड़ लेना है, मोटा दीवार आप जोड़िएगा, जितना मोटा जोड़ेंगे उतना इसमें हीट बनेगा। अब देखिए, इसके ऊपर आपको एक मोटा लोहे का चद्दर लगाना है। आप जितना मोटा इसमें लगाएंगे उतना यह बढ़िया काम करेगा भट्टी, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मैं इस तरीके का भट्टी बनाकर और उसमें मैं बेकरी का प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे हो गया बिस्किट, क्रीम रोल, तो वह भी आपको देखने को वीडियो मिलेगा। थोड़ा उसका समय आए, ठंड का समय, क्योंकि ठंड के समय में बेकरी का बिजनेस ज़्यादा चलता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, नीचे आपने ईंट का पूरा जोड़ लिया, और उसके बाद इसके ऊपर आपने लोहे का मोटा राड लगाने के बाद में, अब देखिए इसमें लोहे का आपको प्लेट लगाना है, लोहे का मजबूत प्लेट। देखिए, यह आप जितना मोटा लगाएंगे, जितना मजबूत लगाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अब आपको इसमें एक काम करना है, मान लीजिए आप इसमें जब लकड़ी जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें धुआं होगा, तो उस धुएं को बाहर निकालना है। उसके लिए आप जिस तरफ से आप लकड़ी को जलाएंगे उसके सामने से आपको होल करना है, एक छेद करना है, जिससे इसका धुआं बाहर निकले, तभी इसमें आग जलेगा। देखिए, इस तरीके से आपको इसमें छेद कर देना है, और आप उसमें एक पाइप लगा देंगे, अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। यह तो हो गया आपका नीचे का। देखिए, बेकरी भट्टी बहुत तरीके से बनता है, मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा। देखिए, यह आग जलाने के लिए तो फाइनल हो गया, समझ में आ गया? अब हम इसमें आग जलाएंगे तो यह लोहे का जो प्लेट है यह बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो इसी के ऊपर हम अपना प्रोडक्ट पकाएंगे, तो इसे हमें फिर चारों ओर से घेरना होगा जिससे इसमें हीट बने। तो यहाँ पर भी आपको ईंट का ही दीवार उठाना है। अब आप इसका ऊंचाई भी 1 फीट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप इसमें बिस्किट बना सकते हैं, क्रीम रोल, केक, आप जो भी बेकरी का प्रोडक्ट बनता है वो सब आप इसमें बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसका थोड़ा ऊंचाई अगर ज़्यादा रखेंगे तो आप इसमें केक आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि केक थोड़ा ऊँचा होता है। मान लीजिए आप अगर बिस्किट बना रहे हैं तो वह तो आपका बहुत, अगर इसका ऊंचाई कम रहेगा तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन केक बनाने के लिए आपको भट्टी ऊंचा बनाना होगा। तो आप अगर भट्टी बना रहे हैं तो आप ऊंचा ही बना लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको अगर नहीं भी केक बनाना है तब भी आप भट्टी को ऊंचा ही बनाइए। मान लीजिए आप आगे चल के इसमें केक बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए।
अब इसका हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई, तो आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना भी आपको प्रोटेक्शन इससे लेना है। जैसे आप क्या बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, पैटीज हो गया, फैन हो गया, तो आप उसी हिसाब से अपना भट्टी बनाइए। और आपको कितना एक दिन में बनाना है, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप बड़ा भट्टी बनाइए, कम बनाना है तो आप छोटा भट्टी बनाइए। इसमें आपको यही बात ध्यान देना है कि इसका जो लोहे का आप चद्दर लगाएंगे प्लेट, वो आपका बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, समझ में आ गया। और इसके ऊपर आपको ईंट जोड़ना होगा बहुत ज़्यादा मोटा, क्योंकि इसके ऊपर आप जितना मोटा ईंट जोड़ेंगे उतना यह भट्टी हीट होगा, समझ में आ गया। जैसे नीचे से तो आग जलेगा, उसके बाद यह आपका लोहे का जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा, और उसके हीट से जब आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईंट जोड़ेंगे मोटा, तो वह भी बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो आप इसमें बेकरी का प्रोडक्ट बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगा, और यह भट्टी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से घर पर बेकरी भट्टी बनाकर और बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके धुआं के लिए हम इस भट्टी से जो धुआं निकालेंगे उसके लिए आपको एक मोटा पाइप ले लेना है लोहे का, और नहीं तो आप लोहे के चद्दर से पाइप बना सकते हैं उसे मोड़कर, और इसे आप उस छेद से जोड़ दीजिए, और इसका थोड़ा जो पाइप है वो थोड़ा लंबा ही रहेगा, जिससे इसका पूरा धुआं ऊपर निकल जाएगा, आपको धुएं से दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया यह भट्टी बनकर तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं इसका जो हम दरवाज़ा लगाएंगे, वह भी आपको बहुत ज़्यादा मोटा बनाना होगा, क्योंकि अगर आप पतला बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं बनेगा, वहाँ पर वह ठंडा होता रहेगा उस दरवाजे से। तो इसका दरवाज़ा आपको कैसे बनाना है, जितना भी बड़ा आपको दरवाज़ा बनाना है उस साइज का आपको दो लोहे का चद्दर काट लेना है, और उसके बीच में 2 से 3 इंच गैप करके आपको वेल्डिंग कर देना है, समझ में आ गया। जैसे आपने एक चद्दर लिया और उसके बाद 2 से 3 इंच गैप छोड़ के आपको दूसरा चद्दर लेना है, और उसके चारों तरफ आप वेल्डिंग कर देंगे। उससे यह होगा, जो बाहर का हवा है और अंदर के हवा में जो अंदर का हीट रहेगा और बाहर का जो हवा रहेगा उसके बीच में वह 2 से 3 इंच गैप जो रहेगा वह बढ़िया रहेगा, तो आपका यह भट्टी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा, हीट ज़्यादा होगा, और आप इसमें बेकरी का प्रोडक्शन अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो आप इस तरीके से घर पर बनाइए, और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मैं आपको बेकरी का एक एक प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप बढ़िया से बेकरी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।